नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे चंदौली की तरफ से बनने वाले रिंग रोड फेज 3 का लेटेस्ट अपडेट, जो कि नेशनल हाईवे में आकर मिला है। मेरे पीछे आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, वो है नेशनल हाईवे नंबर 19। और इस तरफ से आप देख पा रहे हैं बैकग्राउंड में जो आपका रिंग रोड का दृश्य दिखाई दे रहा है। तो चलिए इस वीडियो को पूरा करते हैं और लेटेस्ट अपडेट आपको देते हैं। तारीख आज 9 अप्रैल और दिन है मंगलवार का। इस समय रेवासा और यहाँ पर नेशनल हाईवे नंबर 19 दाएं तरफ और मैं सर्विस रोड पे हूँ। आगे की तरफ आपका रिंग रोड चंदौली साइड का, ये आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो चलिए अब आगे, आप जैसा कि देख रहे हैं रिंग रोड नेशनल हाईवे नंबर 19। और यह रिंग रोड इस तरफ दाएं तरफ सीधे आगे चला जाएगा गंगा पर बन रहे ब्रिज को पार करते हुए, यह आपका वाराणसी की तरफ पहुंच जाएगा। और ये नेशनल हाईवे नंबर आगे की तरफ वाराणसी होते हुए प्रयागराज, ये आपका रिंग रोड रेवासा गांव की तरफ। तो चलिए अब इस रिंग रोड का लेटेस्ट अपडेट आपको देते हैं वीडियो के माध्यम से। ये रिंग रोड आपका वाराणसी से जुड़ा हुआ है और इसके बन जाने पर चंदौली और वाराणसी की दूरी बहुत ही कम हो जाएगी और सफ़र काफ़ी आसान। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रिंग रोड नेशनल हाईवे नंबर 19 से जाकर मिला है। चलिए इस रिंग रोड से ले चलता हूँ आपको ऊपर की तरफ। रिंग रोड फेज 3, वाराणसी की तरफ गंगा पार करते हुए ब्रिज जिसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है, ये आपका संदहा रिंग रोड फेज 3 के पास पहुंचेगा। इस रिंग रोड पर आगे की तरफ एक रेलवे और ब्रिज का निर्माण कार्य हो रहा है, ये आप देख रहे हैं चंदौली की तरफ बनने वाले रिंग रोड। आज तारीख है 9 अप्रैल और दिन है मंगलवार का। यहाँ से आपको नीचे की तरफ दिखाएं तो ये रिंग रोड के नीचे की तरफ से ये है नेशनल हाईवे नंबर 19, जो सीधे आगे चला जाएगा वाराणसी के लिए। और इस तरफ आप देख रहे हैं, ये सामने की तरफ ये रिंग रोड यहाँ पर आकर नेशनल हाईवे नंबर 19 से आकर मिला हुआ है। इस रिंग रोड के आगे ही आपका रेलवे लाइन पर ब्रिज का निर्माण कार्य हो रहा है, उसे भी आपको दिखाऊंगा कितना निर्माण कार्य हुआ है। फिलहाल ये आप देख रहे हैं नेशनल हाईवे नंबर 19, जो सीधे आगे आपको ले जाएगा वाराणसी की तरफ। और मेरे पीछे ये चले जाएगा औरंगाबाद बिहार के लिए और उससे आगे आपका कोलकाता के लिए। वाराणसी से चंदौली करीब 40।
रिंग रोड का इस तरफ काम आपको कंप्लीट दिखाई दे रहा होगा। दोनों तरफ आपका बीच में डिवाइडर का निर्माण कार्य और किनारे की तरफ सेफ्टी वॉल का भी निर्माण कार्य हो गया है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये आवागमन के लिए बंद है। जैसा कि आगे ही आप देख रहे हैं, इस रिंग रोड पर रेलवे का ब्रिज का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। तो चलिए इस ब्रिज का भी लेटेस्ट अपडेट आपको देता हूँ इस वीडियो में। इस किलोमीटर करीब लंबा ये रिंग रोड का तृतीय भाग है, जो कि वाराणसी के संधा से गंगा पार करते हुए चंदौली की तरफ, जहां से आप ये देख रहे हैं, यहां पर आकर ये नेशनल हाईवे नंबर 19 से आकर मिला है। यहां देख रहे हैं जैसा कि नीचे की तरफ रेलवे लाइन गई है और ऊपर में इस ब्रिज का निर्माण कार्य हो रहा है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं किस प्रकार निर्माण कार्य चल रहा है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर आरओबी का निर्माण कार्य। देख रहे हैं निर्माण कार्य अभी भी यहाँ पर पूरा हुआ नहीं है। नीचे ही आपका रेलवे लाइन और ये रेलवे लाइन के पहले है, बीचों बीच अभी भी इसका जो है काम बचा हुआ है। आगे बढ़ के मैं आपको दिखाऊं बिल्कुल एंड पॉइंट तक, तो ये आगे जाकर सामने की तरफ उस पुल से जाकर मिल जाएगा जो कि गंगा नदी की तरफ बन रहे ब्रिज पर जाकर मिल जाएगा। फिलहाल ये रेलवे लाइन देख रहे हैं और आगे में ही कितना निर्माण कार्य हुआ है ये आप देख रहे हैं। ये वाराणसी की तरफ आगे की तरफ चल जाएगा और ये आपका गंगा पार होते हुए वाराणसी के संधा से जाकर आपको मिलेगा। ब्रिज निर्माण अभी भी चल रहा है। जैसा कि देख रहे हैं ये आपका चंदौली की तरफ चले जाएगा और इस तरफ ये ब्रिज का निर्माण कार्य हो रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं आगे चलकर कितना निर्माण कार्य हुआ है। ये आपका वाराणसी की तरफ और ये देख रहे हैं ये आगे की तरफ चला जाएगा आपका गंगा ब्रिज के लिए। फिलहाल ये रिंग रोड का हिस्सा भी अधूरा है, जैसा कि आप देख रहे हैं बीच में आरओबी का निर्माण कार्य बचा है।
चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।